सारेगामा कारवा विद हार्मन गार्डन स्पीकर्स। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ और एक बार फिर अपने सारेगामा कारवा के 5000 सुपर हिट एवरग्रीन गानों में से कुछ चुने हुए गाने और उनसे जुड़े इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियां लेकर आपकी शाम, आपके दिन, आपके दोपहर, आपके आज को म्यूजिकल बनाने आ गई हूं मैं। आज की मेरी जो प्लेलिस्ट है वो एक ऐसी फिल्म से है जिसकी कहानी गुनाह और न्याय के बीच छिड़ी जंग पर बनी थी। हिंदी सिनेमा में वैसे तो कई ऐसी फिल्में हैं जो कि ट्रूथ और इविल के बारे में बनी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म की खास बात क्या थी? वेल, इस फिल्म को महेश मांजरेकर जी ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने फिल्म में ऐसे सिचुएशंस दर्शाए जिससे एक आम आदमी रिलेट कर पाया था। स्पेशली द टाइम्स जब पावर और इन्फ्लुएंस के दम पर करप्शन चलता है, पर अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो जस्टिस मिलकर रहता है। महेश मांजरेकर की इस डायरेक्टोरियल फिल्म में संजय दत्त, महिमा चौधरी और ओम पुरी लीड रोल्स में हैं। कुरुक्षेत्र ईयर 2000 में रिलीज हुई थी जब महेश मांजरेकर जी ने 2-3 और फिल्में बनाई थी, लेकिन ऑडियंस से सबसे ज्यादा प्यार और एक्सेप्टेंस कुरुक्षेत्र को ही मिला था। इस फिल्म में संजय और महेश जी ने दूसरी बार काम किया था साथ में आफ्टर देयर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर वास्तव। वैसे वास्तव में संजय का काफी गैंगस्टर टाइप का रोल था और कुरुक्षेत्र में उनका एकदम ऑपोजिट, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन का रोल था। दोनों ऑपोजिट रोल्स थे, फिर भी संजय वॉज इन हिज टॉप फॉर्म इन बोथ द फिल्म्स। वैसे इस फिल्म के जरिए महेश मांजरेकर ऑडियंस को एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहते थे। That other than its literal meaning, कुरुक्षेत्र का मतलब सिस्टम के अगेंस्ट एक पुलिसमैन का बैटल भी हो सकता है। किस तरह इंसाफ के लिए सिस्टम से लड़ने पर एक पुलिसमैन के साथ नाइंसाफी भी होती है, जैसे उनकी तनख्वाह का कम हो जाना, नौकरी को, परिवार को खतरा होना, एटसेट्रा, सभी कुछ इस फिल्म में बखूबी दर्शाया गया था। चलिए इस फिल्म की गहराइयों के बारे में और बात करेंगे आज के शो में, लेकिन उसके पहले वो गाना सुनाती हूँ जिसे कि स्विट्जरलैंड में शूट किया गया था। कुमार सानू और अलका जी का ये गाना है आपका आना दिल धड़काना। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत गाना है। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे आने रुचि के साथ।
जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। मिली जो नजर हुआ ये असर, ये दिल गुम हुआ अरे बेखबर। छुपी है शरारत, शर्माना प्यारा गया रे, प्यारा गया, प्यारा गया रे, प्यारा गया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। तेरे प्यार का नशा छा गया, मिली वो सजा मजा आ गया। शर्माना प्यारा गया रे, प्यारा गया, प्यारा गया रे, प्यारा गया। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। इश्क है चांदी, इश्क है सोना, इश्क है हीरे मोती, इश्क
कभी सावन बरसाए, कभी शोले भड़काए, कई मौसम ये दिखाए। इश्क भी क्या चीज है, हो इश्क भी क्या चीज है। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। आज मैं अपने सारेगामा कारवा की प्लेलिस्ट में से कुरुक्षेत्र फिल्म के गाने ढूंढ के लेकर के आई हूं आपके लिए। जानते हैं आप, सारेगामा कारवा के प्रोडक्ट्स अब काफी वाइड रेंज में अवेलेबल हैं, लाइक कारवा मिनी, कारवा गो, कारवा किड्स, कारवा प्रीमियम, जिसमें है प्री लोडेड एवरग्रीन क्लासिक्स विद USB, ब्लूटूथ, FM, AM फीचर्स। यहाँ तक कि आप अपने फेवरेट लैंग्वेज के सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो डिजिटल म्यूजिक प्लेयर है ये हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मलयालम और भी कई सारी लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वेल नाउ कमिंग बैक टू कुरुक्षेत्र फिल्म। पता है ईयर 2000 महिमा के लिए इतना खास नहीं रहा था, लेकिन कुरुक्षेत्र फिल्म ने उनके लिए इस साल को खास बना दिया था। उस साल महिमा ने कुछ 4 फिल्में की थी, लेकिन 2 में उनका छोटा सा साइड रोल था और 2 में वो लीड रोल में थी, जो कि थी कुरुक्षेत्र और खिलाड़ी 420। कुरुक्षेत्र को छोड़कर एक भी उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पाई थी। वैसे सबको लगता है कि कुरुक्षेत्र ये फिल्म संजय दत्त और महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी साथ में, लेकिन आई वॉन्टेड यू टू नो कि इस फिल्म से पहले भी 1999 में दाग फिल्म आई थी जिसमें इन दोनों ने साथ में काम किया था और दोनों ही फिल्में सुपरहिट थी वैसे। अच्छा, फिल्म के सेट के माहौल की बात करूं तो महेश जी ने महिमा पर कोई भी प्रेशर नहीं डाला था। महिमा सेट्स पर आती थी, 2-3 शॉट्स देती थी एंड इट वुड गेट फाइनलाइज्ड। ये इतना सिंपल इसलिए भी था क्योंकि महेश जी डजंट बिलीव इन ब्रेकिंग अ सीन इनटू मिनट्स बाय मिनट शॉट्स। उन्हें हमेशा एक क्लैरिटी होती थी अबाउट व्हाट ही वांटेड। इसी कारण से एक्टर्स का सीन को लेकर कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहता था। वैसे फिल्म में महिमा का फेवरेट सीन है फिल्म की एंडिंग। वो अलॉन्ग विद हर टीम बहुत उत्सुक थी फिल्म के एंडिंग पर ऑडियंस का रिएक्शन देखने के लिए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू सी हाउ द ऑडियंस रिएक्टेड टू अ फिल्म फ्रॉम द हस्बैंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड एज अ रिजल्ट ऑडियंस लव्ड इट। बाय द वे, फिल्म के म्यूजिक में मेलोडी का काफी ध्यान रखा गया था ताकि वो इतनी सीरियस फिल्म को बोरिंग ना बना दे। तो चलिए भाई, इतने खास ध्यान देकर के अगर म्यूजिक बनाया ही गया है तो सुनाते हैं आपको एक और गाना विच वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। सरोज खान जी का कोरियोग्राफ किया हुआ ये गाना सुनिधि चौहान की आवाज में। Oh,
आई होप यू आर एंजॉयिंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। वेलकम बैक टू द शो। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। महेश जी ने अपना डेब्यू एज अ डायरेक्टर किया था वास्तव फिल्म के साथ।
लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा, मराठी सिनेमा, तेलुगू, भोजपुरी फिल्म्स सभी जगह पर खूब काम किया, एंड नॉट ओनली एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज एन एक्टर, स्क्रीन राइटर एंड अ प्रोड्यूसर। उनकी पहली फिल्म एज एन एक्टर थी कांटे। क्या आपको पता है उस समय उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक्टिंग करेंगे। वो तो कांटे फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता ने उनके इस हुनर को पहचाना और उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने के लिए इंसिस्ट किया। पर फिर एक ऐसा समय आया जब महेश जी वही सेम काइंड ऑफ रोल्स कर कर के थक गए थे। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग न्यू, सो उन्होंने मराठी सिनेमा ज्वाइन किया एज ही न्यू दैट देयर वुड बी समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, कुछ नए सब्जेक्ट उनको मिलेंगे जिसके साथ वो खेल पाए। लेकिन पैसे की भी जरूरत थी ना, तो वो हिंदी फिल्में भी साथ में करने लगे टू मेक सम मोर मनी। समवेयर एक्टिंग से ज्यादा फिल्म मेकिंग में उन्हें इंटरेस्ट हमेशा से रहा था। वैसे महेश जी ने कुछ 20 सालों तक प्रोफेशनल थिएटर भी किया हुआ है और थिएटर में भी उन्होंने वर्सेटाइल सब्जेक्ट्स पे काम किया है। इसीलिए उनकी डायरेक्टेड फिल्में जैसे अस्तित्व, वास्तव, कुरुक्षेत्र सब बहुत ही अलग येट एक सॉलिड मुद्दे पर होती थी। हालांकि डिफरेंट सब्जेक्ट करने के चक्कर में उनकी कुछ ऐसी फिल्में भी थीं जो कि नहीं चली, इवन दो यू नो इट वॉज हिज फाइनेस्ट वर्क एंड उनको बहुत कॉन्फिडेंस था अपने काम के ऊपर, लेकिन प्रोड्यूसर्स वर लूजिंग मनी। बट महेश जी समहाउ लर्न टू बैलेंस इट। वैसे फिल्मों के साथ साथ महेश जी ने बीपी सिंह के साथ काफ़ी टेलीविजन एपिसोड्स भी डायरेक्ट किए थे, और क्योंकि दोनों पास ही में रहते थे तो अक्सर साथ में ट्रैवल किया करते थे और सफ़र के दौरान स्टोरीज, डायलॉग्स एट्सेट्रा सभी के बारे में डिस्कशन हो जाया करते थे। उन्होंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा जो तब इनफ था उनके लिए टू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ फिल्म। वो कहते हैं कि उन्होंने अगर कहीं से ट्रेनिंग ली है, कोई मेंटोर रहे हैं उनके, तो वो बीपी सिंह साहब ही थे। एंड हिज ओनली मेथड ऑफ मेकिंग फिल्म इज कि एक अच्छी कहानी होनी चाहिए और एक्टर्स को डायरेक्टर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टेक्निकलिटीज पर महेश ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। चलिए और भी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी आपको इस फिल्म से जुड़ी हुई, इस फिल्म के किरदारों से जुड़ी हुई। महेश मांजरेकर जी के बारे में और भी बातें बताऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कुरुक्षेत्र फिल्म से अगला गाना जन्म तेरे लिए बाय कुमार सानू एंड अलका याग्निक। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो। जानम हा जानम जानम तेरे लिए रात दिन अरमा मचल मचलते हैं। जानम तेरे लिए रात दिन अरमा मचल मचलते हैं। यादों में तेरी हम ओ सनम, यादों में तेरी हम ओ सनम, करवट बदल बदलते हैं। जानम तेरे लिए रात दिन अरमा मचल मचलते हैं। यादों में तेरी हम ओ सनम, यादों में तेरी हम ओ सनम, करवट बदल बदलते हैं। जानम तेरे लिए रात दिन अरमा मचल मचलते हैं।
सहारा थम ले तू गिर न जाए प्यार दे तू दे सहारा थम ले तू गिर न जाए प्यार दे तू चाहत में तेरी बेताब हम चाहत में तेरी बेताब हम जाने जहां तरस तरसते हैं जानम तेरे लिए रात दिन हर माम चल मचलते हैं आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। चल शादी कर लेते हैं चल शादी कर लेते हैं तेरे मेरे नाम का चर्चा गलियों में होने लगा है लोग मुझे बदनाम लेके तेरा नाम करते हैं चल शादी कर लेते हैं चल शादी कर लेते हैं खाते खाते डरने लगी हूँ आते जाते ओ
निभाएंगे है वादा, अपना तो नेक है इरादा, हर गम बांटेंगे हम आधा 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 आधा। आधा क्या मैं पूरा सह लूंगी, बाटा पे गुजारा कर लूंगी, पर हो न जाए जुदा ये सोच के हम डरते हैं। चल शादी कर लेते हैं, चल शादी कर लेते हैं, से शर्माना धीरे से तेरा यूं मुस्काना, अंदाज तेरा हमदम प्यारा 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 प्यारा। चल शादी कर लेते हैं, चल शादी कर लेते हैं, तेरे मेरे नाम का चर्चा गलियों में होने लगा है, लोग मुझे बदनाम लेके तेरा नाम करते हैं। चल शादी कर लेते हैं, चल शादी कर लेते हैं, चल 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 शादी कर लेते हैं, चल शादी कर लेते हैं, चल 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 शादी कर लेते हैं, चल शादी कर लेते हैं, चल। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। यू नो व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग, महेश जी हमेशा अपने आइडियाज सबको बताते हैं ताकि सबसे फीडबैक ले सकें और इम्प्रूव कर सकें इफ द नीड बी। इनफैक्ट उन्होंने अपने ऑफिस का दरवाजा सबके लिए हमेशा खुला रखा था, यानी कि अगर वो शूट भी कर रहे हैं तो वो किसी को भी शूटिंग देखने से भी मना नहीं करते थे, इवन दो वो चाहे तो अपना प्लॉट बचा के रख सकते थे, सीक्रेट रख सकते थे। बट उनका मानना था कि अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि इस सीन में कुछ गलत है तो देर मस्ट बी सम लॉजिक टू इट, इवन इफ ही इज कन्विंस्ड विद इट। वो उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते थे सो दैट ही कुड करेक्ट इट। वैसे फिल्मों को लेकर जब भी कोई आइडिया उनके दिमाग में आता है तो वो अपनी बीवी को जाकर सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि वो उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक हैं और सबसे बड़ी सपोर्टर भी हैं। बताएं आपको, मतलब ये ऐसी बात नहीं है कि यूं ही जाकर के बता दिया, ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट ऑल द फीडबैक ही वुड गेट फ्रॉम हिज वाइफ। इतना कि अगर उनकी बीवी उनके आइडिया से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती तो वो उस आइडिया को ही ड्रॉप कर देते थे। एंड अनलाइक अदर्स, पहले वो फिल्म लिखते हैं उसके बाद कास्टिंग करते हैं, नॉट द अदर वे राउंड। वैसे उनकी फिल्म कुरुक्षेत्र ठीक वास्तव के बाद आई थी। काफी लोगों को ये लगा था कि दोनों एक्शन फिल्में हैं तो सिमिलर होंगी और महेश मांजरेकर वही टिपिकल कहानी दर्शाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने मीडिया में ये क्लैरिफाई किया कि वास्तव एक वायलेंट फिल्म थी, नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिकल वायलेंस बट मेंटल वायलेंस। उसमें सिर्फ थोड़ा ही एक्शन था, जबकि कुरुक्षेत्र एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म थी, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा था ये। ऐसी फिल्म दैट रेजेस क्वेश्चंस लाइक, एक आम आदमी क्यों क्राइम कमिट करता है, उसके पास क्या और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम हमेशा सिस्टम को ब्लेम करते हैं, लेकिन इस फिल्म के जरिए महेश जी चाहते थे कि लोग ये जज करें कि क्या एक आदमी, एक आम आदमी हमेशा सही होता है या गलत भी हो सकता है, स्पेशली तब जब सिचुएशन ऐसी है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ हो।
ऑल दीज आर सब्जेक्ट्स जिनको महेश जी ने अपनी फिल्म कुरुक्षेत्र में बखूबी हाईलाइट किया है. एंड द परफॉर्मेंसेज बाय संजय दत्त एंड महिमा चौधरी, उफ क्या बताओ यार, कमेंडेबल. चलिए इसी बात पर सुनाते हैं आपको इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक. सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मैं रुचि आपके साथ. यही उपदेश है, युगांधर है तू,
बढ़ता चल, बढ़ता चल। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवा क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो। रुचि के साथ